हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके पास स्टाइलिश फ़ोन नहीं है तो उसको डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले जिनको पता है उन बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो जान लें कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप अपने ब्राउज़र पर जाएं, और ये जो लिंक है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये फ़ॉन्ट का लिंक है। इतने सारे लिंक हैं, ये फ़ॉन्ट वगैरह है, देख लीजिए जो आपको पसंद है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसको ले लेते हैं, आपको जो पसंद होगा आप अपना ले लीजिएगा। चलिए हम, हाँ तो अब हम ये हम फोन को एक जगह ले लेते हैं। कौन कौन फोन है कैसे पता चलेगा, यहाँ पे गए सो हुआ, इसको कट कर लिए और एक फोल्डर बना देते हैं, इसमें नए फोल्डर यहाँ पे पेस्ट कर दिए। एक फोन हो गया, दूसरे फोन पे गए, यहाँ पे कट कर लिए, खोले यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक है। फिर तीसरा फोल्डर पे गए, कट करके यहाँ पे सेव कर लें, ठीक है। चौथा फोल्डर पे गए, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पांचवे पे गए, कट करके पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, कट पेस्ट, ठीक है। और है का कोई, अब नहीं है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। फॉन्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से है, इसको यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपके फोन में चला गया, ठीक है। इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके कर दिए, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कर लेते हैं, अच्छा होगा, कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको कॉपी करके फिर क्लोज कीजिए और कंट्रोल पैनल में जाइए, के बाद आप इसमें आ जाइए, यहाँ पे फॉन्ट्स कहीं है, देखिए यहाँ पे गए, खोले और यहाँ पे
आके पेस्ट कर दीजिए। इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। चलिए अब उस फ़ॉन्ट का यूज हम लोग देख लेते हैं। हम फोटोशॉप खोल लेते हैं। एक पन्ना ले लेते हैं, कोई भी 4 6 का साइज, वाइट में ले लिए। ठीक है, अब इसको मूव करा लिए। अब हम कुछ भी लिखते हैं। चलिए ये फॉन्ट लिए, एजुकेशन EDI, जैसे देखना पड़ेगा हमको। एजुकेशन ये हो गया, तो हम कंट्रोल टी के माध्यम से बड़ा कर लिए हैं। अब हम इसे मॉडलाइज में करते हैं। फॉन्ट को नीचे स्क्रॉल करते जाना है। आप देखिए ये सारा फॉन्ट है, ये सब फॉन्ट है जो हम लोगों ने लिया था। वो फॉन्ट को खोजते हैं जो इंस्टॉल हो गया है। चलिए देखते हैं कौन अच्छा लग रहा। ठीक है, डाउनलोड हम लोग किए थे। ये भी था, लेकिन किसी एक में हम डिजाइन कर देते हैं लिखने का। सब हिंदी हो गया, डायरेक्ट हिंदी से नीचे जाते हैं। इतना सारा फॉन्ट समझ लिया आ गया। जो नहीं है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसी को देखते हैं, इसको थोड़ा डिजाइन में कर लेते हैं। ऐसे गए तो यहाँ पे जो शो हो रहा है ये बैक का है, पीछे का। ठीक है, देखिए यहाँ पे गए। अब यहाँ पे जो भी कलर लेते हैं, देखिए पीछे का जो होता है आपका शेडो टाइप का जो होता है, जिसको बोलते हैं आपका दिमाग से हट रहा है मेरा, वो बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर का जो कलर आप चाहिएगा ले सकते हैं। आप देखिए कौन अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा। देखिए ये हो गया, ये इस तरह का है, ये इस तरह का है। आपको जो समझ में आएगा आप यहाँ से देखिए। अब ये क्या कर रहा है, ये कलर चेंज कर दे रहा है। कौन सा कलर कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, हम लोग देख सकते हैं। जिस तरह का मन है आप कर सकते हैं। चलिए ओके करते हैं। अब मान के चलिए अब हमको इसका कलर अलग चाहिए, तो इतना सेलेक्ट करके यहाँ पे करते हैं। यहाँ
सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देते हैं इसको रेड, तो ये रेड नहीं हुआ। अच्छा वो यहाँ से है ना, इसके वजह से नहीं हुआ। ठीक है इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ओके कर दिए थे ना, चले ये हो गया। अब यहाँ से करते हैं, पहले हम इसको कर देते हैं ब्लू, इसको कर देते हैं रेड, इसको कर देते हैं ग्रीन, इसको कर देते हैं येलो, चलिए अब ये अब यहाँ से जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है अब इसमें देख लें कौन सूटेबल है, ये ज़्यादा सूटेबल है रहा। ठीक है अब यहाँ से कलर जो चेंज होता था इसको ऑप्शन कर सकते हैं कि कौन क्या एक ही कलर में हो जाएगा सारा। इसको हटा के और यहाँ पे जाते हैं लग रहा। ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है जो सूटेबल होगा उसको ले लेते हैं। ठीक है और जैसे देखते हैं ठीक है, तो इस तरह करके हम फोन का डिज़ाइन करते हैं। अब देख लीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये फोन, फोन का डिज़ाइन करने हम लोग सीख गए किस तरह डिज़ाइन करते हैं। अब इसे आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, जो जिस फाइल में सेव करना है सेव एज पे जाइए, यहाँ पे इतना सारा है, जिस फाइल में सेव करना है आप सेव कीजिए, PNG में, डारगा में, जिस में चाहे उसमें सेव करके आप इस फोन का यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप डिज़ाइन करने अब खुद से कर लीजिएगा। इसी वीडियो के साथ धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा।